हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिक्वायरमेंट है वो कतर का रिक्वायरमेंट है और होटल से रिलेटेड मेरे पास काम आया हुआ है। कैटेगरी किचन हेल्पर है और रेस्टोरेंट के अंदर में आपको किचन हेल्पर का काम करना है। और किचन हेल्पर का काम जो भी है, किचन के अंदर में सारा काम आपको करना पड़ेगा, चाहे वो कुक के नीचे हो या फिर जो भी है किचन के अंदर में, भाजी तरकारी सलाद वलाद जो भी बनता है, सारा चीज़ जो है आपको कटिंग करना है, चॉप करना है, ठीक है। और किचन हेल्पर का जो सैलरी है वो 1000 प्लस खाना रहेगा आपका, 1000 कतरी रियाल देगा आपको सैलरी, और प्लस फूड है, फूड फ्री है इसमें, और 12 घंटे की ड्यूटी है, और पासपोर्ट जो है ओनली ACNR पासपोर्ट चलेगा इसमें, ठीक है। चाहे बंदा पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसका पासपोर्ट अगर ACNR है तो वो आराम से जॉब में जा सकते हैं। कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें, ना तो सेवी सिलेक्शन है, ठीक है। ओनली पासपोर्ट ACNR होना चाहिए उनका। और एज लिमिट जो है 21 से लेकर के 30 साल का बंदा इसमें चाहिए, उसके ऊपर नहीं चलेगा। और रूम, मेडिकल, फूड, इकामा सारा चीज़ जो है कंपनी के तरफ है। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, 2 ईयर्स का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपका रहेगा। और 25 बंदे इसमें चाहिए मुझे किचन हेल्पर के लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा अगर नया नया जाएगा तो उसको किचन हेल्पर के हेल्पर में ही लगेगा, चाहे वो वेटर जाए या कुक जाए। नया बंदा कोई भी जाएगा तो उसको किचन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर दूसरे काम में अगर आप जाते हैं, जैसा कुक हो गया, वेटर में हो गया, तो उसमें सिलेक्शन होने में बहुत टाइम लगे। किचन हेल्पर का जो काम है, अगर आप किचन से स्टार्ट करते हैं तो आपका पोजीशन आगे बढ़ सकता है। जैसे कि कोई बंदा अगर पढ़ा लिखा है और थोड़ा थोड़ा दिन में भाषा सीख जाते हैं और लैंग्वेज वहाँ का सीख गए, तो वेटर के नीचे भी लगा सकते हैं आपको, कुक असिस्टेंट में भी लगा सकते हैं। तो किचन से अगर स्टार्टिंग करते हैं तो आपको आगे चल करके आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। क्योंकि आपका अगर गुड लुकिंग है, फेस अच्छा है और आप वहाँ पर भाषा सीख गए, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो आपको वेटर में भी डाल सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग जो है आपको किचन हेल्पर से ही करना पड़ेगा। तो अच्छा मौका है, कतर के अंदर में जॉब अच्छी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सकता है इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज दीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, क्या क्या रहना पड़ेगा आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप एक अच्छे से CV बना लीजिए और उसमें डाल दीजिए किचन हेल्पर, और आपका पासपोर्ट का पूरा उसमें डिटेल होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे हैं तो वो भी सब डाल दीजिए एक CV के अंदर में, और पासपोर्ट का बैक एंड फ्रंट का स्कैन करके, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप होटल के अंदर में जा रहे हैं तो आपका फ़ोटो भी अच्छा होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो। और वैक्सीनेशन का पेपर भी उसमें 1 PDF में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो इसमें है मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ। फिर सामने से अपने को मेडिकल का आएगा, वहाँ से QVC आता है कतर से, तो आपको मेडिकल करके फिर पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। और 25 बंदे की मांग है, कतर का रिक्वायरमेंट बहुत कम आता है। अगर आप जाने के लिए रेडी हैं कतर में, और जितना जल्दी हो सकता है आप अप्लाई कर दीजिए इस जॉब के लिए, ठीक है। जॉब अच्छा है और वहाँ का जगह भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है इसमें। आप सैलरी भी इसमें अच्छा कमा सकते हैं, 1000 दे रहे हैं सैलरी, और इंडियन रुपीस कुछ 22,000 होता है, ठीक है। प्लस इसमें टिप भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है आप कांटेक्ट कीजिए, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। और सर्विस चार्ज इसमें क्या रहेगा, कैसा मेडिकल रहेगा, वो सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 12 घंटे की ड्यूटी है इसमें, तो ओवर टाइम इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन अलग से साइड इनकम आपको रहेगा इसमें। रेस्टोरेंट के अंदर में 3-स्टार रेस्टोरेंट रहेगा, उसमें आपका काम रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।